जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बगैर मसेब ज़दा, मैं हूँ मुशारे फारूकी। और मैं हूँ नजफ राजा। नाज़रीन, आज हम लाहौर से कुछ दूर वाके एक गांव में मौजूद हैं जहाँ पे एक डेरा है जो कि काफ़ी अरसे से वीरान पड़ा है, और यहाँ की पुरसरार कहानियाँ हमें आज यहाँ खींच लाए। बिल्कुल। और मुशारिफ, डेरा मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, मीटिंग्स करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। ये सारे मामला इस डेरे पे हुआ करते थे, लेकिन कुछ अरसा हो गया यहाँ पे ऐसे कोई मामला नज़र नहीं आ रहे, लोग नहीं होते, लोग जो यहाँ रहते थे वो जा चुके हैं। बहुत दूर सिर्फ आबादी, कुछ घर मौजूद हैं, ट्रैफिक की भी आपको बीच में आवाज़ आएगी। क्यों? क्योंकि ये जगह जो है, ये गाँव जो है, मेन रोड के पास ही है। देखेंगे, तहकीकात करेंगे, यहाँ पे अजीब किस्म की स्टोरीज हमें जिस तरह सुनने को मिलती हैं कि यहाँ पे कुछ स्टोरीज हैं दरख्तों से रिलेटेड, कुछ कोई चीज नजर आती है, कोई साया नजर आता है, कहीं से आवाज आती है, ये सारे मामलात और ये सारी बातें हमें बताई गई। लेकिन अपनी तहकीकात करेंगे, सच्चाई ढूंढेंगे, सदाकत देखेंगे इन बातों में किस हद तक है, और बगैर वक्त जाया कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा बहरहाल, यहाँ पे कुछ मामला इस किस्म के रहे हैं कि इतना बड़ा गांव नहीं है, आबादी शुरू से ही यहाँ पे समझ लें कि उस तरह की आबादी नहीं रही जिस तरह के आम रूटीन में, आम गांव में होती है। एक समझ लें कि नया बात करने की कोशिश, लेकिन ये जो जगह है ये काफ़ी पुरानी है। थोड़ा सा अगर कैमरामैन हमारे इर्द गिर्द थोड़ा राउंड लगाएं, ऊपर दरख्तों पर दिखाएँ, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ से आगाज़ करते हैं नजफ। बिल्कुल। अच्छा मुशारिम, यहाँ पे गौरतलब बात ये है कि लोगों ने अपनी ज़मीनें, नाज़रीन को भी बताना चाहूँगी, लोगों ने अपनी ज़मीनें छोड़ी नहीं हैं, लेकिन वो इन अपनी इन ज़मीनों से दूर चले गए हैं, सेल करने पे आ गए। बात इस हद तक पहुँच गई है, डर इस हद तक पहुँच गया है कि उन्होंने अपनी इन ज़मीनों को सेल करने पर वो आ गए और चाहते हैं कि ये ज़मीनें सेल हो जाएँ। यार इधर कुछ मुझे ना नाज़रीन, जैसे ही मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है, जैसे लगा पीछे कोई खड़ा हुआ है ना। एक थोड़ा यहाँ दिखाई, पीछे कोई खड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों कुछ यहाँ पे। ठीक है, पीछे दिखाइएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे झाड़ियाँ, गंदगी, और जिस तरह ये EMF हम लोगों ने ऑन कर लिया है, और ध्यान से यहाँ पे सांप वगैरह भी हैं। ओह माय गॉडनेस, देख के कुछ चीज है यहाँ पे। ठीक है, कुछ आवाजें आ रही ना, एक हंसने की आवाज़ें, ये रोने की आवाजें हैं। यहाँ से आवाज आ रही है, एक रिकॉर्ड करिए। कैमरा इधर है। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह। कैमरा इधर है। आवाज आई है, बकायदा आई बहुत ज्यादा, रिकॉर्ड हुई है। कोई है? कौन है नाज़रीन यहाँ पे? क्या दोबारा मौजूदगी का साथ ला सकते हैं आवाज की शक्ल में, जिस तरह भी दिखाई है कुछ देर पहले? आ रही है, थोड़ा उससे ये बकायदा। उस में बाहर जाती हूँ, आप यहाँ से देखें। एक कैमरा मैन मेरे पास आता है, देख के यार इधर आओ। कोई लेस टाइप कुछ यहाँ पे कोई मौजूद है? लेडीज के कपड़ों पे अक्सर वो इस तरह यहाँ पे लटकी हुई है, और अपनी मौजूदगी का दोबारा इजहार कर सकते हैं बगैर गंदगी यहाँ पे
عرصہ دراز سے کوئی یہاں پہ انسان نہیں آیا, اور ایک سمجھ لیں کہ قیمتی جگہ ہے, اس کو بنانے کی کوشش کی بھی جاتی ہے, یہاں پہ آبادی کرنے کی کوشش کی بھی جاتی ہے, یہاں پہ جو مخلوق ہے وہ آباد نہیں ہونے دیتی. دوبارہ اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ آواز آئی ہے یا نہیں. اچھا مشاہد نہیں آ رہی, دوبارہ نہیں آ رہی نا, اچانک سے خاموشی ہو گئی, خاموش ہو گئی ہے. اچھا ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں, ایک تو یہ دیوار کا حصہ اور ایک باہر ہے جہاں پہ میں بھی گئی تھی. مشاری بھی اندر کھڑا تھا, آواز دیکھ رہا تھا اور میں باہر تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, لیکن ایک دم خاموشی ہو گئی. تو اس کے ساتھ اللہ دیکھ کے پھر ہم جو اس کے درخت ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسئلے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہمیں یہاں پہ کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو اسپلٹ بھی ہوتے ہیں اس کے بعد تاکہ بہتر انویسٹیگیشن ہو سکے. جس طرح ناظرین لاسٹ لوکیشن کی اگر ہم بات کریں جو پچھلے آپ لوگوں نے دیکھا وہاں پہ جو معاملات ہوئے نا, فزیکل لیول پہ ہم پہ اٹیکس ہوئے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھے, تو آج اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے, ہم اپنی کوشش کریں گے جتنی حد تک ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں ہم کرتے ہیں. تو آئیں ذرا, اچھا آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا معاملہ. وہ کیپچر کرو جلدی کرو, کہاں وہ اوپر اوپر یہ یہاں پہ استغفار, یہاں تھا کوئی کوئی تھا یہاں پہ, کیا دیکھا ہے وہاں پر؟ یار کوئی چیز میں نے دیکھی ہے, وہ پہلے جیسے کوئی پرچھائی نہیں ہوتی آتی اور جاتی ہے, کوئی چیز باڈی پوری وہاں پہ رکھی ہے, کیپچر ہوا ہی ہے. تھوڑا اس طرف آؤ, اس طرف آؤ. یہ تو بھی یہاں پہ معاملات شروع ہوئے, دیکھ کے اللہ ناظرین بہت مٹی ہے یہاں پر. اور اچھا چھتیں نا کچی ہیں, یہ پکی حالت ان کی بری ہوئی ہیں, اور بالکل کیونکہ یہاں پہ کوئی رکھوالی نہیں ہے نا, یہ ٹوٹی کیوں ہوئی ہے یہ دیکھیں مشارے, یہ مطلب پرانی ہے اب اس کی, مطلب ایسے نا پھٹی ہوئی ہیں. درخت ہر طرف ہیں, ایک شبیر آپ دکھائیں ذرا, ہر طرف درخت ہی درخت ہیں. تو کیمرہ پیچھے کریں, کیا کوئی چیز ہے یہاں پہ ہونے کا ساز دلا سکتے ہیں دیکھ کے نیچے؟ سینٹر میں یہی درخت بن رہے نا, نہیں وہ والے وہاں سے زیادہ مسئلے ہیں, وہاں پہ زیادہ ہے جو بات کی گئی تھی. ہاں یہ پیچھے شبیر اب ادھر ہی دکھائیں, صحیح بہت دھیان سے, یہ والا یہی والا یہ والا درخت. ہاں آگے دیکھ کے نظر, کیا کوئی چیز ہے یہاں پہ اپنے ہونے کا ساز دلا سکتے ہیں بغیر نقصان پہنچائے؟ شبیر تھوڑا سا ادھر آئے دیکھ کے نظر, یہ کانٹے. اس درخت کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم یہاں پہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں آئے, آپ سے ملاقات کے لیے آئے, بغیر نقصان پہنچائے چکر سامنے آ سکتے ہیں دوبارہ, بغیر نقصان پہنچائے سامنے آ سکتے ہیں. نیچے دیکھ کے EMF کے بعد آ سکتے ہیں, ریڈنگ دے سکتے ہیں. ناظرین یہاں کچھ چیز موومنٹ کی آواز آئی ہے,
वो जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पे कोई जानवर उस तरह के नहीं है नजर नहीं आया अभी तक, हमने पूरा विजिट किया है इस एरिया को। कोई है? अल्लाह अकबर, उफ अल्लाह, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? ओ शिट शिट शिट, ध्यान से ध्यान से, यहाँ पानी ही पानी है। मुझे मुशारे बहुत चक्कर आ रहे हैं यार, से कुछ थोड़ा होने लग गया है प्रिंस। और यहाँ पे मेरा सर भारी हो रहा है, बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे। बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे, मेरा सर भारी। देख के देख के इधर आ जाओ, दरख से इधर साइड पे आ जाओ। मैंने अल्लाह अकबर, ये मैं आगे नहीं जा रही। नजर ध्यान से आई, ओके? हाँ, लेकिन मैं अब वहां नहीं जा रही, थोड़ा रेस्ट कर लो। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बकवास है यहाँ पे यार, ये कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है यार, हर तरफ पानी ही पानी। लाइट करें इधर, नजर इधर आ जाओ, दरख्तों से साइड पे हो जाओ। क्या हुआ, ठीक हो? हाँ यार, मुझे ऐसा लगा दरख्त के ऊपर से कुछ उछला है एकदम से ना यार, मुझे तो कैप्चर हुआ है कुछ कैमरा में, वो आखिरी पत्थर तो हुआ है जो कुछ चीज गिरी है बकायदा जब हम निकल रहे थे उस जगह से। थोड़ा आगे चलते हैं, मगर यहाँ पे दरख्तों में मामला ठीक नहीं है। अली देख के पीछे से, नजफ इधर आ जाओ, दरख्तों से भी फिलहाल हम हटते हैं। ये भी इसके साथ अंडर कंस्ट्रक्शन ही कह लें, बनाने की कोशिश की गई थी कुछ उन लोगों ने, लेकिन वो भी अभी तक इनकम्प्लीट है। लेकिन कमाल बात है, आधी पे घास है और आधी, हाँ मतलब बनाने की कोशिश, मतलब किस तरह की यहाँ पे। ओ ओ, इधर आओ, उफ अल्लाह, ओ माय गॉड, बिस्मिल्लाह, यहाँ पे रीडिंग लीजिए मुशर्रफ, देखिए अभी तक डेड है, यहाँ देख के कोई सांप या ऐसी कोई चीज, अंदर आ जाए। ओए बल्ला वक्कर, ओए बल्ला, ओए शिट मैन, अंदर आ जाए। ओए बल्ला वक्कर, ओए बल्ला, ओए शिट मैन, कैप्चर हुआ ये? ये पत्थर कहाँ से आया यार? यार बकायदा तौर पे यार, अभी मतलब साथ, ये तो हद हो रही है यहाँ पर। क्या अपने होने का साथ दिला सकते हैं बगैर नुकसान पाए? उधर ही रखें कैमरा, कैमरा उधर रखें, कैमरा दोबारा कर सकते हैं, ये फिर कुछ गिरा है। कौन है? यह देख के सर वगैरह, नजफ बहुत ध्यान से, कोई ना, अभी हम एंटर हुए और पत्थर पता नहीं कहाँ से आया और एकदम ही, ये हमें भी लग सकता था। ये देखो बात है, ये EMF की रीडिंग दे सकते हो? ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जलाए चीजें वहाँ पड़ी हैं, अंदर ध्यान से कुछ कीड़े मकोड़े भी हैं। ये दरख्तों पे ना अजीबो, अल्लाह अल्लाह, मुझे यहाँ पे कुछ, ये दरख्तों पे ना अजीबो, अल्लाह अल्लाह, मुझे यहाँ पे कुछ यार, शायरी भी हो क्या रहा है यार, मुझे भी ना जैसे कुछ चीज लगी आके, क्या लगा है यहाँ पे जैसे ये कुछ, और वो पत्थर बिल्कुल मतलब टच होते होते गिरा है एकदम, क्या हो रहा है यहाँ पर? अस्तगफिरुल्लाह, ये जगह यार रीडिंग नहीं आ रही है, लेकिन रीडिंग नहीं मिल रही नीचे, नजर देख के
यहाँ पे कीड़े मकोड़े और छिपकलियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो वी हैव टू बी रीडिंग दे सकते हैं आप हमें बगैर नुकसान पहुंचाए? तो कहाँ से आ गए अचानक? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो कहाँ से आ गए अचानक? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। स्टक फाट। उफ अल्लाह अल्लाह। देख एक सेकंड रुको, एक कैमरा उधर है। ये देखो फिर कुछ हुआ है, सलसल ही हो रहा है। नाज़रीन आपके सामने यहाँ हम पे अचानक से कोई मसले पेश आने लगे हैं। जब कोई है आगाज क्या था तहकीकात का, बहुत काम थी, हर चीज सुकून में थी, पर अब वो अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। हम पर क्या जानवर की शक्ल में आ सकते हैं सामने? कौन है? अल्लाह, कौन है? अल्लाह, आवाज भी नहीं थी, पर कहां पर? तौबा, है उधर नजर तो नहीं आ रही, आवाज कहां से आ रही है? मैंने नाज़रीन अभी कहा है कि जानवर की शक्ल में आ सकते हैं, साथ ही कुछ हुआ है और कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ गई। इधर आओ शबीर, इधर आए, उधर रखें कैमरा। ये ध्यान से मेरे में कोई डीप जगह पहले नहीं थी आवाज, और ना ही ये देख के नजर पीछे। ध्यान से, ये कांटे भी हैं यहाँ पर। उए उए लो, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, रुको। उए पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, रुको। नाज़रीन अचानक से वो चीज ऐसे प्रोवोक हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, वो होने वाला सिचुएशन यहाँ हो गया। पहले खामोशी थी, यहाँ पे कुत्ते का नामो निशान नहीं था। हो सकता है कि इर्द गिर्द से चले, मान लेते हैं नजफ आ गया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अब आवाजें बंद हो गई हैं, बार बार चकरा रहा है और बहुत भारी हो यार। अगर तू इन्वेस्टिगेशन थोड़ा दरख्त की वजह से हो, जो सेंटर में अचानक जब हम नजर हम अभी एंटर हुए थे तो चक्कर आए थे। अली कैप्चर करना जरा, क्या गुजरा? कुछ शेडो देखा मैंने, जैसे कोई चीज मूव करती है ना, जब आपको लगता है कि यार कोई फील होता है कि यार कोई वहां पे खड़ा है। उफ अल्लाह, ये क्या चीज है सामने सामने कुछ बैठा हुआ है? नाज़रीन कुत्तों को भौंकने की आवाजें आ गई हैं। यार वहाँ पे कुछ फील हुआ है, मैंने वहाँ पे देखा है कोई बच्चा ना, क्या रिकॉर्ड हुआ है वहाँ पे? कोई बच्चा था? हाँ मुझे लगे चेयर पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, अब वो चेयर वहाँ पे कुछ पे नहीं। मुझे भी ऐसा लगे कोई चीज। आए देखते हैं मुशर्रफ वहाँ पर क्या है, क्या कोई चीज है यहाँ पे? दोबारा कैमरे के सामने आ सकते हैं आप बगैर नुकसान पहुंचाए? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। औरत की आवाज है, ये कौन है? सफार्स को कैप्चर करो। वे कैप्चर हो रही है वो, उधर देख ना यार। अस्तगफिरुल्लाह, ज़ूम करो, ज़ूम ज़ूम, उधर देख ना यार। अस्तगफिरुल्लाह, ज़ूम करो, ज़ूम ज़ूम। अली उधर, अली उधर, इधर आओ। कैमरे अपने वहां पर करें, वहां दिखा, वो दिखा। अली हमें छोड़ दो, उधर दिखाओ। अली वो दिखाएं। उए। ओह माय गॉड। ज्यादा नहीं जाना आगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अल्लाह अकबर यार, शबीर नहीं। कुछ चीज थी ना यहाँ पे, है ना? अली कैप्चर हुई है? नजफ मामला ठीक नहीं है, वो चीजें सामने। यार यहाँ पे कुछ मामला ठीक नहीं है नाज़रीन, यहाँ पे हमारे सामने मैंने खुद देखी कोई औरत। यार औरत यहाँ पे, मैंने बच्चा देखा, चेयर देखी, फिर चेयर वो मूव हुई है। यहाँ पे किस किस्म के मामला आते हैं?
मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे पूरी फैमिली रहती है, गैर मरी मखलूक की जिन्नात की पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अब हम स्प्लिट होते हैं जब, ठीक है? कुछ एरिया आप देख लो, कुछ मैं देखता हूँ, ठीक है? अलिया मेरे साथ आ जाए, शबीर आप ठीक है? तबीयत ठीक है? हाँ बस सर बार बार भारी हो रहा है। और यार इस जगह से ध्यान से बिल्कुल, जब आप इधर होगी आप आगे देख लो, ठीक है? मैं बाहर जाती हूँ। और वो एरिया देख लेना, वो जहाँ से आवाजें आई थी औरतों की वो देख लेना, ठीक है? हाँ, स्टे सेफ, हाँ यहाँ पे ही मिलते हैं वापस। हाँ ठीक, ध्यान से बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, नजफ वहाँ चली गई है। यहाँ पे मामला अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ, वो ठीक बिल्कुल नहीं है। कुछ देर पहले हमने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, उस टाइम ऐसा मामला कुछ भी नहीं था, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे हम दरख्तों के पास हैं जहाँ से मामला ख़राब हैं, तो वो जो दरख्त है वहाँ से मुझे एक बाकायदा, जब मैं उसकी हदूद में आया हूँ तो मुझे चक्कर सा आया, नजफ़ की भी तबीयत ख़राब हुई है। उसके बाद हैपनिंग शुरू होने लगी हैं इस एरिया से, थोड़ा सा अगर दिखाएँ। आज यहाँ पर आकर मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और मुझे इस तरह चक्कर से आ रहे हैं बार बार, समझ नहीं आ रही क्या मामला आता है यहाँ पर। हमने मुशारिम ने वो पूरी लड़की औरत देखी है दूर से और वो बोल रही है और वो कैप्चर भी हुई है कैमरे में, और यहाँ मैंने बच्चा देखा है और चेयर पे बैठा हुआ था और अचानक से फिर चेयर मूव हुई है, बच्चा वहाँ से गायब हो गया। यहाँ पे जिन्नात की पूरी फैमिली रहती है और वो अपना जिस तरह बसेरा इंसानों के हवाले नहीं करना चाह रहे, वो इंसानों को इस जगह पे नहीं रहने देना चाह रहे और अपना अपना आप वो दिखा रहे हैं कि वो यहाँ पर हैं और इंसानों की उन्हें मौजूदगी नहीं चाहिए। मज़ीद इस तरफ देखते हैं कि यहाँ पर क्या मामलात हैं। और ये वो बाहर का एरिया है जहाँ पे दरख्त हैं और सबसे भारी दरख्त के पास अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरा सर भारी हो रहा है। मुझे नहीं पता क्या वजूहात हैं लेकिन ऐसे मामलात हैं। ये वाले एरिया से और वो चीज़, अब आई डोंट नो वो कैमरे पे कैप्चर हुई है या नहीं हुई, लेकिन मैं एक चीज़ लाजमी कहूँगा कि हमें ऐसा लगा है कि सामने कोई खड़ा है। अभी एडिट पे देखेंगे, सामने मैंने देखा कि वहाँ कोई औरत नुमा अभी भी है। अल्लाहू अकबर यार, हैं अली हो रही है, हैं अली जरा वो सामने देखा यार, जूम कर और कर, फोकस कर इसे फोकस। अल्लाहू अकबर यार, कुछ गिरा है, जूम कर और कर, फोकस कर इसे फोकस। अल्लाह अकबर यार, कुछ गिरा है, वो हुई है कैप्चर, थोड़ा उधर ही रख। हुए यार, देखिए हम यहाँ कुछ ही देर में जा रहे हैं, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ये आपकी जगह है, आप रहे यहाँ पे। नाज़रीन ये दिखाएं क्या शबीर, आप ये दिखाएंगे दरख्त सामने वाला और इस साइड पे ये जो दरख्त है, ये वो वाला दरख्त और वो वाला दरख्त। मुशारिफ सब ठीक है? अंदर से आवाज आई है, मेरे ख्याल में एक दफा देखना चाहिए कि सब ठीक है या नहीं। मुशारिफ सब ठीक है? मुझे मुशारिफ की आवाज़ आई है एकदम से, पता नहीं क्या अजीब किस्म की आवाज़ थी, मुझे लगा जिस तरह मुशारिफ ने बुलाया है।
इधर यार, अब नहीं है वो, अब नहीं है वो। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे बकायदा कोई औरत मैंने देखी है, बकायदा। नाज़रीन ये भी एक दरख्त है जिसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं, और हम इस वक्त इस दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि इसमें से जो भी चीज़ है वो सामने है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है तो बग़ैर नुकसान पहुँचाए अपनी मौजूदगी का इजहार कीजिए। हम यहाँ आपको तंग करने के लिए नहीं आए, आपका बहुत एहतराम करते हैं, और अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, बस आपकी मौजूदगी देखना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि आप कैमरे के सामने आएँ और बग़ैर नुकसान पहुँचाए अपनी मौजूदगी दिखाइए। कैमरा दरख्त पे रखो, कैमरा दरख्त पे रखो जी, बग़ैर नुकसान पहुँचाइए, कैमरे के सामने आ सकते हैं आप। ओफ अल्लाह, वो क्या है सामने सामने, ये कैप्चर करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, शब्बीर कैप्चर हुआ है, अंदर हुआ है कैप्चर। ओह माय गॉड, यहाँ पे हो क्या रहा है। नाज़रीन इस दरख्त, इस दीवार के ऊपर मैंने एक बच्चे को देखा है, और ये कहाँ से गिर रही है, ये गिरी है कहाँ से, ये हाँ ये कहाँ से गिरी है, ये कहाँ से आई है, ये गिरी है, प्रॉपर गिरी है। दोबारा अपनी मौजूदगी का इजहार कर सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए। इर्द गिर्द कैमरा रखें, इर्द गिर्द मेरे पे मत रखें। दोबारा अपनी मौजूदगी दिखा सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए। क्या आप सामने आ सकते हैं दोबारा? इधर 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 अली, वो चमक रहा है कुछ, ज़ूम कर ज़ूम कर ज़ूम कर, फुल ज़ूम करो यार, वो और करें ज़ूम और आगे फुल करें यार, बिल्कुल सामने कुछ चीज़ चमक रही है यार, ये देख रहा है, ये मुझे कुछ चीज़ लगी है आगे, होगी कैप्चर यार, ये देखना यार, और कुछ है यार, मैंने बकायदा कोई औरत देखी है यार, अली कैप्चर किए यार, इधर मामला ठीक नहीं है नाज़िम। मैं हैरान हूँ कि ये चीज कहाँ से आई है, ये कहाँ से आई है, और ये आई है और गिरी है मेरे पास, जब जब मैंने ये बात की है कि अपनी मौजूदगी दिखा सकते हैं, हम जानते हैं आप इधर हैं, पूरी फैमिली के साथ हैं, तो ये चीज़ आई है और गिरी है। किस चीज़ की आवाज़ है, ये जगह ख़तरे से बिल्कुल भी खाली नहीं। नाज़रीन अंदर अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं मज़ीद। ये दरवाज़ा बंद था शबीर, ये दरवाज़ा बंद था, खुला क्यों, कौन है? उफ़ल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहु अकबर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह,
اللہ اکبر. ناظرین میں دروازہ پکڑ کے بالکل ابھی کھڑی ہوئی تھی وہاں پر, اور ابھی میں بات کر رہی ہوں شبیر سے کہ یہ کہاں سے آئے, یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے, کیونکہ دروازہ ہم نے بند کیا تھا اور اچانک سے پریشر سے دروازہ بند ہوا ہے, اور اس قدر مطلب آواز آئی ہے اور مجھے ایسا لگا جس طرح دروازہ ٹوٹ جائے گا, اس قدر زور سے دروازہ بند ہوا ہے. اپنی موجودگی کا اظہار کر سکتے ہیں بغیر نقصان پہنچائے دوبارہ, ہم جانتے ہیں آپ ادھر ہی ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں. کتے بھی بھونک رہے ہیں, کتے بھی بول رہے ہیں, اور یہ کتے نظر نہیں آ رہے, ہم نے پورا وزٹ کیا اس ایریا کا, کتا نظر نہیں آ رہا, لیکن کتے بھونک رہے ہیں یہاں پر, کتے نظر نہیں آ رہے ناظرین یہاں پر. اور یار ناظرین ابھی یہاں پہ معاملات کچھ عجیب و غریب ہیں, یہاں پہ کسی اس ٹائم رات کے پہر عورت کا دکھ جانا جو مجھے لگا ہے کہ کوئی عورت ہے. اچھا وہ اس کا ڈریس اگر ہم بات کریں تو ڈریس چمکیلا سا, جیسے کوئی وہ چیز اکثر ہم نے سننے کو ملتی ہے کہ کوئی دلہن نظر آتی ہے رات کے اوقاتوں میں, جو چڑیل ہے وہ شکل میں آ جاتی ہے. تو اس ٹائم مجھے ایسا لگا کوئی عورت کھڑی ہے, چمکیلے کپڑے ہیں اس کے, شاید کیپچر بھی ہوئے. تو اب وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے, غائب ہے, ساتھ سارا گندا ایریا ہے, جنگل ہے, اور اس کے پار نالا ہے, وہاں پہ ہم نہیں جا سکتے. وہاں پہ اس کا دکھنا وہ تھوڑا ڈاؤٹ فل, بہت زیادہ ہمارے لیے مسئلہ. کچھ چل رہا ہے, ایک سیکنڈ, علی ادھر آجا, علی ادھر آجاؤ, میں بتا رہا ہوں تمہیں. دیکھیں ہم یہاں کچھ ہی دیر میں یہاں سے جا رہے ہیں, کسی قسم کا نقصان پہنچانے نہیں آئے. یار یہ چیک کیا یار, یہ چیک دکھاؤ. یہ ناظرین یہ جانور اس طرح نہیں کر سکتا, نہ ہوا چل رہی ہے یہاں پہ. کون ہے علی, کیمرہ ادھر رکھیں. یہ کوئی کتا نہیں ہے جو, یہ اس طرح حرکت نہیں ہو سکتی, جانور نہیں کر سکتا ناظرین. اللہ اکبر, علی آ جا, آ جاؤ ادھر سے, جانور نہیں کر سکتا ناظرین. اللہ اکبر, علی آ جا, آ جاؤ ادھر سے. کون ہے دیکھیں, ہم سے جا رہے ہیں. ناظرین بہت زیادہ معاملہ خراب ہے یہاں پہ. اچھا یہ بہت ڈاؤٹ فل چیز ہے, جیسے کوئی جانور, لیکن اس طرح جانور نہیں کر سکتا. علی تھوڑا سا دکھانا اس طرف. جولی یہاں سے نکلے نجف, علی آ جا, چھوڑ دے اس کو, دیکھ کے دیکھ کے دیکھ. کیا ہوا ہے, سب خیریت؟ یار ادھر آؤ. او شٹ, کیا ہوا ہے؟ ادھر کرو, آ رہی ہوں. ہر طرف کیچڑ اور پانی, دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے. ٹھیک ہے یار, معاملہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ. کیا ہوا ہے وہ دیکھو سامنے, وہ دیکھ رہی ہو؟ او مائی گاڈ, یہ کون ہے یار؟ وہ دیکھ رہی ہو؟ او مائی گاڈ, یہ کون ہے یار؟ اللہ استغفر اللہ استغفر. نجف کہ میں پہلے ہی بتا رہا تھا کوئی جانور نہیں ہو کر سکتا. وہاں پہ کیمرہ رکھیے, وہ ہو کیا رہا ہے؟ وہاں پہ علی, وہاں پہ کیمرہ رکھیں پلیز. یار ہم آپ کو یہاں پہ نقصان پہنچانے بالکل نہیں آئے اور نہ پہنچا سکتے ہیں. کتوں کی آوازیں آ رہی ہیں, لیکن اس طرح نہیں کر سکتے یار. وہ کون ہے؟ استغفار اللہ, مشارب آگے نہ جانا.
कौन है? अस्तगफार अल्लाह, मुशारे आगे ना जाना। देखिए हम यहाँ कुछ ही देर में जा रहे हैं, यहाँ पे नाज़रीन ऊपर दिखाओ शबीर, हवा का नामो निशान नहीं है। Oh my God. उस तरह की मूवमेंट कभी यहाँ पे हम देखिए, हम आपको तंग करने बिल्कुल नहीं आए, ना नुकसान पहुँचा रहे हैं ना पहुँचा सकते हैं। हम जा रहे हैं कुछ ही देर में यहाँ से। नज़र मेरा कंधा भारी हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। मुशारे हम यहाँ से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कुछ ही देर में, कहाँ से निकले यहाँ से? ये जगह जो है बहुत पुरेसरार है और खतरे से हाल है। मुशारे बाहर आ जाए यार, ये क्या है यार, ये शोर मत डालो यार, हमें जाने का कहा जा रहा है। मुशारे मुशारे भी चीज है। नजफ यार मैं परेशान हूँ इस बार, इधर आ जाओ, बाहर निकलो यहाँ से। नजफ आ जाओ, मैं कह रहा हूँ बस। मेरा ना बकायदा, जैसे नाजिन एक आपका कंधा होता है ना, बकायदा एक साइड मेरी इतना वजन नजर मुझे फील हो रहा है बकायदा इस जगह पे। मुशारे आपको पता है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, मुझे तब एकदम ना एहसास हुआ जिस तरह आपने मुझे बुलाया है, लेकिन फिर मैंने अपने कैमरामैन से भी पूछा कि क्या मुशारे की आवाज़ है, उसने कहा नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे बुलाया। उसके बाद ऐसा हुआ है कि अस्तगफिरुल्लाह, दरख्त से हट जाए। उस गेट के पास भी मत जाना, वो बहुत जोर से खुद ब खुद ही बजा, ये वाला बहुत जोर से, और आपको पता है ये खुला हुआ था, हम इसे बंद तो बंद कर ही गए थे। हाँ ये खुला हुआ था, और जो ही मैं उसके पास जाके खड़ी हूँ एकदम हिट हुआ है एकदम से। यार थोड़ा सा मैं ये सोच नहीं सकता कि इस यहाँ पे जो मामला हो रहा है, या मेरा पता नहीं क्यों, कौन है उधर? माय गॉड, ऐसा लग रहा है जिस तरह हमें घेर लिया गया है यहाँ से। मुशारे हम यहाँ से जा रहे हैं यार, मैं यार तो वो झाड़ियाँ किस तरह, मैं यहाँ तो पे मज़ीद नहीं टिक रही, क्यों? क्योंकि आवाज़ें आ रही हैं जगह जगह से। अच्छा नाज़रीन अभी ये है कि लास्ट टाइम जो हमारे साथ मामलात हुए थे, मेरे साथ ख़ास तौर पर जो फिज़िकल लेवल पे, मैं उस वजह से वहाँ पर इतना नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम वहाँ से निकल आए हैं, हमें देखना पड़ता है जो मामलात होते हैं। लास्ट वीक जो हमारे साथ पेश आए मामलात मेरे साथ फिज़िकल लेवल पे, तो उस वजह से थोड़ा सा हमने अभी आपके सामने दिखाई है वो चीज़, वो जानवर नहीं हो कर सकता इतनी तेज़ झाड़ी हिलाना। और जब आप मुझे बुला के भी आए हो वहाँ, फिर भी हिल रही है। ठीक है, फिर भी हिल, फिर थोड़ी देर कुत्तों की आवाज़ आना शुरू, पहले आती है चली जाती है औरत का दिखना। मैं नज़र तुम्हें बताऊँ, जब आप स्प्लिट हो गई थी, ठीक मामला नहीं लग रहा है, लेकिन मुशारे अभी हम वहाँ वापस जाएंगे, देखेंगे कि नजर चलते हैं, बिल्कुल आगे चलते हैं और देखते हैं क्या मामला आता है। पर देख के पीछे पानी होगा, की आवाजें आ रही हैं, रोने की आवाजें आ रही हैं, बता रहा हूँ यहाँ पे मामला नहीं ठीक, चेकी रोने, रुक जाएं, रुक जाएं, ठीक हो? हाँ ये बच्चे की रोने की आवाजें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आवाज हमें फॉलो कर रही है। अली दिखाना नाज़िन, आप बिल्कुल वो स्टिल है, कैमरा अपने दोनों उधर, आप भी तो दिखाएं, दोनों कैमरास उधर रखें, क्या आप कैमरे के सामने दोबारा आ सकते हैं, दोबारा मूवमेंट कर सकते हैं, पहुंचाए ईमेल पे रीडिंग दे सकते हैं? कौन है नाज़िन? यही झाड़ी इतनी जोर से हिल रही थी जैसे कि आप सोच नहीं सकते। क्या हमारे अलावा भी इस जगह पे कोई और मौजूद है? ओह शिट, क्या हुआ यार? ये लग गया है कांटा, ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहाँ पे कांटे हैं, आवाज आ रही है, मुशारे आवाज आ रही है यार, यहाँ से ना आवाज आई है एकदम से। यार जैसे हम अल्लाह अकबर, आवाज आई है एकदम से,
यार जैसे हम अल्लाह अकबर अस्तगफर ओ माय गॉड अस्तगफरुल्लाह अस्तगफरुल्लाह आ जाओ यहां से निकले आ जाओ अली यहां से निकले वो चीज अभी भी यहां पे उसी तरह उसी ताकत में मौजूद है और अपना असर दिखा रही है यार अभी तो मैं वहां से आया हूं यार यार दिस इज टू मच अली नज़रीन हम नहीं चाहते हमारे साथ मामला नुकसान ज्यादा हो जाए हम जितना दिखा सकते हैं वो आपके सामने अली मैं कह रहा हूं यहां से वो दिखाएं अली वापस आ जाएं शबीर उधर दिखाओ उफ अली मैं कह रहा हूं ना यार अल्लाह उफ अल्लाह अली अली छोड़ दो उसे यार अली बस यार ज्यादा हो गया नहीं यार जितना हम लोग दिखा सकते हैं दिखा दिया यहाँ से निकलो बहुत ज्यादा मतलब अभी भी देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं नाज़रीन हम वहां पे गए हैं मैंने बकायदा पीछे जाके देखा कोई चीज नहीं थी अचानक कोई कुत्ते की भौंकने की आवाजें आती हैं अल्लाह हू अकबर नजफ भाई बहुत ज्यादा है निकलो यहाँ से नजफ आ जाओ अली नाज़रीन जो कुछ हम दिखा सकते थे हमने दिखा दिया है दिखाने की पूरी कोशिश की है और हम यहाँ अब शो को एंड कर रहे हैं अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा लेकिन हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं तब तक के लिए नजफ राजा और मुशारिफ फारूकी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़